हौसला हो तो क्या नहीं पाया जा सकता। इंसान में सच्ची प्रतिभा होनी चाहिए, बस फिर कोई भी कठिनाई उसका रास्ता या उसके बुलंद हौसलों को मात नहीं दे सकता। यहाँ हम बात कर रहे हैं ऐसे शख्स की जिसने अपने जज्बे को कायम रखा और अपनी मंजिल को पाने का रास्ता बनाया और उसे हासिल भी किया। श्रीकांत बोला, जो बचपन से ही ब्लाइंड हैं, आज 500 करोड़ रुपए की फूड पैकेजिंग कंपनी वॉलेट इंडस्ट्री के सीईओ के पद पर हैं। उन्होंने ये कंज्यूमर फूड पैकेजिंग कंपनी बनाकर कई लोगों के लिए एक मिसाल कायम की है। हैदराबाद के श्रीकांत भोला का बचपन कई कठिनाइयों से गुजरा। उनके परिवार की मासिक आय लगभग 1600 रुपये थी। आपको जानकर हैरत होगी कि जब श्रीकांत का जन्म हुआ तो उनके कुछ रिश्तेदार और कुछ पड़ोसियों ने श्रीकांत के माता पिता को उनके पिता होते ही उन्हें मार देने को कहा। लेकिन श्रीकांत की किस्मत में कुछ ही और था। किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो खुद पर भरोसा और अपनी मेहनत से कुछ कर दिखाने का दम रखते हैं। श्रीकांत बचपन से ही पढ़ने में तेज थे। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण श्रीकांत ने 10वीं की परीक्षा अच्छे अंकों से पास की। उनकी मुश्किलें यहीं ख़त्म नहीं हुई। वह 10वीं के बाद साइंस पढ़ना चाहते, लेकिन उनके ब्लाइंड होने के कारण उन्हें इसकी इजाज़त नहीं मिली। श्रीकांत भी कहाँ हार मानने वाले में से थे। कई महीनों की लड़ाई लड़ने के बाद आखिरकार श्रीकांत को साइंस पढ़ने की इजाज़त मिली और इसी के साथ श्रीकांत देश के पहले ब्लाइंड बने जिन्हें 10वीं के बाद साइंस पढ़ने की अनुमति मिली। इसके बाद श्रीकांत ने दोबारा पीछे मुड़कर नहीं देखा। श्रीकांत को अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी करते ही अमेरिका के मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि MIT में प्रवेश मिला। इसी के साथ ही श्रीकांत देश के पहले ऐसे ब्लाइंड स्टूडेंट बने जिन्होंने IMT से शिक्षा प्राप्त की। और अमेरिका से अपनी शिक्षा लेने के बाद श्रीकांत ने हैदराबाद में अपनी कंपनी की शुरुआत की। श्रीकांत ने लोगों के साथ खाने पीने के सामान की पैकेजिंग के लिए कस्टमर फूड पैकेजिंग कंपनी का गठन किया। इस कंपनी की शुरुआत श्रीकांत ने 8 लोगों से की। उन्होंने इस कंपनी में सबसे पहले आसपास के बेरोजगार लोगों को जोड़ा, जिसमें श्रीकांत की ब्लाइंड लोगों को काम दिया। जब श्रीकांत की कंपनी अच्छी रफ्तार पकड़ने लगी तो पैकेजिंग की दिक्कत आने लगी। जब श्रीकांत की कंपनी अच्छी रफ्तार पकड़ने लगी तो फंडिंग की दिक्कत आने शुरू हो गई। लेकिन श्रीकांत इससे पीछे हटने वाले थोड़े थे। उन्होंने कई फंडिंग कंपनियों से और निजी बैंकों से फंड जुटाकर अपने काम को आगे बढ़ाया। श्रीकांत की कंपनी ने फर से हर तक का सफ़र तय किया। आज श्रीकांत की कंपनी तेलंगाना और हैदराबाद में 4 प्लांट हैं जिसमें हजारों की संख्या में कर्मचारी कार्यरत हैं। श्रीकांत कहते हैं कि जब सारी दुनिया उनसे कहती थी कि वह कुछ नहीं कर सकते तो वह उनसे ही कहते थे कि वह सब कुछ कर सकते हैं। आज जिस मुकाम पर श्रीकांत हैं उन्होंने अपनी इस बात को साकार भी कर दिखाया। श्रीकांत कहते हैं कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी की जंग जीतनी है तो सबसे बुरे समय में धैर्य बनाकर रखें, सफलता ज़रूर मिलेगी।